नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर का टीजर धमाल मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, तभी से ये टीजर ना सिर्फ आग की तरह वायरल हो रहा है, बल्कि वॉर का ये टीजर यूट्यूब के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऋतिक और टाइगर के फैंस ने अभी से इस फिल्म को साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का टीजर काफी ज्यादा धमाकेदार है। और तो और, वॉर के टीजर को देखने के बाद तो हर कोई इन दोनों एक्शन सितारों का दीवाना बन गया है। वही दोस्तों, वॉर के इस टीजर ने ना सिर्फ फैंस को इंप्रेस किया, बल्कि कुछ ऐसा ही हाल टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ का भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वॉर के टीजर को देखने के बाद जैकी श्रॉफ ना सिर्फ इमोशनल हुए, बल्कि उन्होंने वॉर के टीजर को शेयर करते हुए एक पुराने किस्से को याद किया है। दरअसल जैकी श्रॉफ ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, आई रिमेम्बर द मोमेंट when Hrithik was assisting in King Uncle and Tiger Shroff was a little kid and how he used to look after my boy now facing one of the most talented handsome lad who my boy adores blessed। यानी दोस्तों, King Uncle की शूटिंग के दौरान Tiger Shroff एक छोटे से बच्चे थे और तब Hrithik Roshan उनका काफी अच्छे से ध्यान रखते थे। वही दोस्तों, जैकी श्रॉफ के मुताबिक टाइगर श्रॉफ बचपन से ही ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं और इसी वजह से जैकी का कहना था कि आज मेरा बेटा इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड और हैंडसम स्टार के साथ काम कर रहा है, जिसे वो अपना आदर्श मानता है। तो दोस्तों, अब समझ में आया कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। और दोस्तों, टाइगर श्रॉफ भी अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि वो ऋतिक रोशन की तरह एक्शन और स्टंट्स करने की कोशिश करते हैं। वही दोस्तों, जहां एक तरफ वॉर के टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है, तो वही दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ अपने बेटे को ऋतिक के साथ भिड़ते देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।